पूर्वा जिला अस्पताल के कई चक्कर काटकर थक चुके परिजनों को आखिरकार 5 दिन बाद सुखी राम का शव सौंप दिया गया। बताते हैं कि सुखी राम की तबीयत अचानक से 21 मई को खराब हो गई थी, जिसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, मगर स्वास्थ्य केंद्र में सुधार नहीं होने से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था और अस्पताल में रेफर होने के बाद से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, मगर परिजनों का उसका जो शव है वो उन्हें नहीं सौंपा गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और उसके बाद सुखीराम के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी है कि सुखीराम को कहीं कोरोना तो नहीं था, इसके लिए उसके खून का सैंपल लिया गया था, जिसके कारण शव को नहीं सौंपा गया था। पता नहीं अब क्या होगा इनके जानकारों के मन में, नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि शव को 5-6 दिन तक रोक दिया गया। 6 दिन बाद आज हमको मिल रहा है और उसका माने कारण पूछने पर कोई डॉक्टर बताते नहीं है। गले में 7 दिन तकलीफ हो रही थी, तो कोरोना संदेह का नाम कुछ वहाँ रखाया गया। भोपाल